तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जी हाँ, आज मैं आप सभी लोग के बीच हमेशा की तरह एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ, लेकिन यह जो जगह है अब पुराना है। आप लोग कई बार इस जगह को मेरे वीडियो में देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे परिवर्तन होते जा रहे हैं जो देखने योग्य हैं। जी हाँ, आज यहाँ पे मैं अपने नाना के साथ आया हूँ, अपने छोटे भाई के साथ आया हूँ, और इस जगह का नाम है रामग्राम, जो नगर पंचायत चौक उत्तर प्रदेश जिले महाराजगंज में पड़ता है। जी हाँ, तो मैं आप सभी लोग को आगे वीडियो में दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इस जगह पे क्या है, क्या चीज़ पाया गया है, और क्यों यहाँ पे इतने ज़्यादा परिवर्तन किए जा रहे हैं। अभी इस जगह को लेके मेरे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन पुरातत्व विभाग के माने तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के 1/8 भाग अस्थि अवशेष पाए गए हैं, जो महात्मा बुद्ध के ननिहाल से ताल्लुकात रखते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े रामग्राम के उत्खनन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इसके उत्खनन से भगवान बुद्ध से जुड़े इतिहास के सुनहरे पन्ने खुलेंगे, क्योंकि मान्यता है कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष का 8वां हिस्सा यहीं पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। उत्खनन से रामग्राम की प्रामाणिकता साबित होने के बाद रामग्राम बुद्ध टूरिज्म के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा, जिससे हमारे पूरे देश को और खास करके नगर पंचायत चौक में काफ़ी विकास होगा और व्यवसाय का साधन बढ़ेगा। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर है, और वर्तमान समय में यह एक पिकनिक पॉइंट के तौर पे बन चुका है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अपना पिकनिक मना सकते हैं, और पूरे परिवार के साथ आके यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शानदार है, और यहाँ पे आने के लिए अगर आप लोकल से हैं तो आप आनंद नगर आके फिर आ सकते हैं, और गोरखपुर भी आके आ सकते हैं। सीधे वहाँ से बस मिलेगा आपको महाराजगंज के लिए, और महाराजगंज से आप कुछ भी ऑटो करेंगे, रिक्शा करेंगे, ओला करेंगे, सीधे आप यहाँ पर आ जाएंगे रामग्राम, और यहाँ पर आके घूमिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाइए, और यहाँ के वास्तविकता को जानिए, और अपने बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति के बारे में समझाइए। जी हाँ, चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ पे बैठने की क्या व्यवस्था है, पिकनिक मनाने की क्या व्यवस्था है, आप लोग देखिए। और भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे दे दूँगा, आप लोग उसे पढ़ लीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। गूगल से निकाल के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।